नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं सेक्टर 22 और आपको बता दें बल्लभगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर ने आज दफ्तर का उद्घाटन किया है। तो देख रहे हैं विधि विपूर्ण आज ऑफिस का उद्घाटन करके तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, देख रहे हैं अपने पूरे दलबल के साथ उतर गई है मैदान में। हवन करने के बाद नए दफ्तर का उद्घाटन किया सेक्टर 22 मार्केट में मिनी रेस्टोरेंट के पीछे। तमाम समर्थक यहाँ पहुँचे हैं शारदा के, ये देख रहे हैं दफ्तर का उद्घाटन हुआ सेक्टर 22 में और जंग का ऐलान कर दिया। मैदान में उतरी है निर्दलीय शारदा राठौर और ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, बात करेंगे एक बार। जी बाबू जी बोलो। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? संतोष सिंह। बाबू जी कैसा रहेगा इस बार? बढ़िया है, भगवान जी का निकल रहा है, भगवान जी जीत रही है, पूरी फाइट कर रही है। बीजेपी वाला अपना दावा कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं है, एक तरफा है पूरा। अच्छा, भगवान जी की सीट निकल रही है एक तरफा, बीजेपी वाले इस बार फेल है। तो क्या क्या कार्य हुए थे जी? अभी 10 साल से सरकार है, कार्य नहीं हुआ है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाया था ना। हाँ, फरीदाबाद को 1200 करोड़ रुपए मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि हमारे मूलचंद शर्मा जी मंत्री जी के घर में गया, हमारे केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी के घर में वो पैसे गया। विकास के नाम पर फरीदाबाद को नरक बना दिया। बहन जी का 10 साल का कार्यकाल जो रहा है पीछे का, वो हम आज भी याद करते हैं। उसे अमन शांति चैन लोग सुख सुविधाएं, हम सेक्टर 22 में रहते हैं। जब बहन जी विधायक थी तो डेली पानी आता था, आज नौबत यह है कि 3-4 दिन पानी देखते रहते हैं कि हफ्ते में लोगों को पानी मिल रहा है। 22-23 से संजय कॉलोनी नरक बना दिया इन्होंने, और इन्होंने से अपना घर भरा, अपने बड़े बड़े होटल बनाए, बड़े बड़े मॉल बनाए इन्होंने, इसके अलावा कराई क्या है, ये तो वोट मांगने के हकदार भी नहीं है क्षेत्र के अंदर। और बहन मूलचंद हमारी बहन शारदा राठौर का जो 10 साल का कार्यकाल रहा उस समय, आज भी वो याद कर रहे हैं। और कांग्रेस ने भी छलावा किया है, कांग्रेस ने भी गलत किया है बहन जी के साथ, कि सर्वे के हिसाब से लोगों के आकलन के हिसाब से बहन शारदा राठौर जी इलेक्शन जीत रही थी, और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व मिल करके जो इनका टिकट जो है कटवाया, जिसका भुगतान कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। और क्षेत्र की जनता बहन जी के साथ है, बहन जी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, यहाँ इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की एक एक जनता इलेक्शन लड़ रही है, एक एक बहन जी शारदा राठौर बन के इलेक्शन हम लड़ेंगे, तन मन धन से बहन जी का साथ देंगे। तन मन धन से साथ दे रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुए, और मूलचंद ने तो बहुत नारियल फोड़े हैं जी, होटल खोले हैं, होटल की लंबी लिस्ट हुए,
इतनी लिस्ट उन्होंने बना रखा है कि खाली होटल ही चलाएंगे अब राज्य सोचा है। विकास अपना ही कर रहा है, विकास कह रहे हैं कि विकास कुछ भी नहीं किया है, होटल का विकास अपना विकास किया है, अपना विकास टेंडर हुई है, कोटेशन हुई है, लूट हुई है, टेंडर हुई है, कोटेशन हुई है, लूट हुई है, कुछ नहीं हुआ है। आप योर सिस्टम रहते हैं, 10 दिनों के हालात ये है, सीवरेज ओवरफ्लो है, क्राइम चरम सीमा पर है, 10 साल पहले कुछ नहीं था। तहसीलों में हालात ये है कि गश्ती कराने का जो खर्चा पहले 2000-3000 में होता था, आज 50-50 हज़ार 1-1 लाख में हो रहा है। 2 साल से बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर लोगों का मोटेशन तक नहीं चढ़ रहा है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, हाउस टैक्स हम जमा करने के लिए जाते हैं डिपार्टमेंट में, हाउस टैक्स कोई लेने वाला नहीं है, बिना रिश्वत का हाउस टैक्स तक जमा नहीं होता है, तो ये विकास की क्या बात करेंगे। आज बल्लभगढ़ की जनता कितनी त्रस्त है, बल्लभगढ़ क्या पूरे फरीदाबाद की जनता त्रस्त है, लेकिन बल्लभगढ़ की जनता से ज़्यादा ही त्रस्त है। आप किसी भी आज पुलिस महकमा बेखौफ घूम रहा है, बेखौफ गुंडे बदमाश घूम रहे हैं, देखो यहाँ पुलिस प्रशासन किसी की कोई बात मान के राजी नहीं है, तो ये विकास क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, विकास की कोई कोई विकास नहीं हुआ है। और जी क्या नाम है भाई साहब? मनोज सिंगला जी। सिंगला जी क्या कहेंगे ये 10 साल के विकास के लिए? 10 साल से विकास कुछ भी नहीं हुआ, सब रोड सड़क सब खराब हुई पड़ी है, और आपका पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ में भी। बहन शारदा राठौर 100% जीत रही है, और हम सब पूरे बल्लभगढ़ के देश सभी इनके साथ हैं, और उनको विजय बनाकर रहेंगे, तो मैम मंत्री बनकर भी आएंगी। बहन शारदा राठौर जिंदाबाद, मंत्री बनकर भी आएंगे। चालू हो गया भाई, ट्रैक्टर का चालू हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ, साथ ही साथ आप सबको बधाई देती हूँ। आज कार्यालय का उद्घाटन भी आप यहाँ भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव 36 बिरादरी का चुनाव है, ये किसी नेता का पार्टी का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ, और उस परमपिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों का। दिल से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि मेरा तो जीवन मरण का प्रश्न है, जो भी हुआ पता नहीं भगवान ने क्या प्लानिंग उसमें अब तो यही है कि पूरा भरोसा आप लोगों पर है, और हर व्यक्ति स्वयं को कैंडिडेट मान के, स्वयं को शारदा राठौर मान के ये चुनाव लड़े। कल तक चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, और हमारा सबसे बड़ी चुनौती है उस चुनाव चिन्ह को घर घर तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और आप सब जैसे ही चुनाव चिन्ह मिले, टीम बना बना कर डोर टू डोर जाके हैंडबिल और स्टिकर घर घर देकर आए, घर घर चुनाव चिन्ह बताए, क्योंकि भले ही किसी ने धोखा कर दिया हो, लेकिन आप पे भरोसा है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये भी शायद भगवान की कोई परीक्षा होगी, भगवान चाहते होंगे कि इस परीक्षा में हम खड़े उतरे। बहन जी रोने की जरूरत नहीं है, हिम्मत करो, सारे आपके साथ हैं, हिम्मत हो रही है। तो इस परीक्षा में अकेली हंस के जवाब दो। अकेले की परीक्षा नहीं है, अकेले आप सबकी भी परीक्षा है, तो आप इसमें साथ दें, स्वयं को उम्मीदवार बन के ये चुनाव लड़े, और मुझे पूरा भरोसा है वो मालिक सब ठीक करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब झुककर नमन करती हूँ। और लड्डू आ रहे हैं, 5 मिनट और रुक जाइए, लड्डू खाकर ही जाइए, वो जीत के लड्डू होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। शारदा के साथ शारदा राठौर जी, और ये देखें आप सरकार उद्घाटन और जनता की अगुवाई कर रही हैं, भारी भीड़, हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये भाई के विधाता ऐसा फैसला करेंगे, आपको टिकट का सोचना भी नहीं पड़ेगा और भविष्य में पार्टी बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 22 संजय कॉलोनी, मुझे सर जनता कॉलोनी और सेक्टर 23 अपना झुग्गी, हमारी जितनी भी आजाद नगर की जो झुग्गी है, यहाँ का आपको विश्वास दिलाते हैं, यहाँ आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप अपना चुनाव लड़े, यहाँ से एक एक वोट आपके पक्ष में जाएगी, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, इस बार ये सीट आपके खाते में जाएगी। बस आपसे एक निवेदन है कि आप इस जनता के इसी प्रकार ख्याल रखें, आज से पहले आप पार्टी की सिपाही थी, अब आप इस जनता की सिपाही बनकर इस लड़ाई को लड़ें, पब्लिक जवाब देगी इस बात का, पब्लिक। जय हिंद, आप सभी को एक विश्वास दिला दो, अपनी बहन जी को गारंटी दे दो, क्या आप तन मन धन के साथ हैं? सारे भाइयों से अनुरोध है, जो हमारी ये बहन जो है बहुत पूर्ण बहुत मेहनती है, सब के साथ जूझ के रही है, सारे हाथ उठा के एक बार हमारी बहन को आशीर्वाद दे दो। सबकी तरफ से हमारी सारदा बहन की आशीर्वाद है, जीत के आएंगी, जीत के आएंगी, जीत के आएंगी। प्रशांत बांट दो, मेरा अगला कार्यक्रम है, आज अगला कार्यक्रम है, जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे इजाजत लूंगी और अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करूंगी, आप संभालिए।